total number of one one function जहां पर कोडोमेन वाला क्या है, कोडोमेन वाला ज्यादा है, डोमेन वाला कम है, तो क्या होता है, क्या होता है भाई ये आपका इस केस में, ये होता है आपका, हाँ भाई एम एम ज्यादा वाला पी, सीधे से हल्को ना, ज्यादा वाला पी छोटा छोटा वाला, कभी ऊपर वाला बड़ा आ ही सकता है कभी भी पी में, इतना आसान तरीका भाई, बस खत्म हो गया आपका। हाँ और ये तो आता ही है फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस 3 5 और नीचे फैक्टोरियल 2 ये हो जाएगा कितना भाई, 5 को 20 दिया 60, सी वाला ए एंड सी आर करेक्ट। चल खत्म, तो ये था भाई आपका, तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अब आप पहले आते थे ऐसा नहीं आते हैं, आज भी इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन अभी भी आते हैं भाई, ऐसा नहीं कि अभी इजी नहीं आते हैं, अभी भी आते हैं, इजी क्वेश्चन हमेशा आएंगे। वन वन ऑन टू, ये इस टाइप का काम आपका रियल में भी है और ये आपको इस तरह की जरूरत उसमें पड़ेगी, आपके अलजेब्रा में दोनों में चलती है। अच्छा एक वाला करा दे जरा, नंबर ऑफ ऑन टू वाले जरा करा दे भाई, ये नहीं कि हम लोगों ने क्वेश्चन इस तरह कोई, अच्छा दिया आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछने थे, आपको किस तरह के क्वेश्चन, अच्छा ये पूछ रही थी कहां से लगाए क्वेश्चन, अरे इसके क्वेश्चन जो है हम, अच्छा हम ढूंढेंगे, ढूंढ के बताएं, क्योंकि यार इसके क्वेश्चन हमने कई जगह देखे, हर जगह है नहीं, शायद ये खन्ना भामरी में है क्या, ये इसके ये रिलेशन के क्वेश्चन तो आपको उसमें मिल जाएंगे, खन्ना एंड भामरी में है, खन्ना भामरी वाली बुक नहीं भेजी थी हमने, याद करिए, हाँ खन्ना भामरी वाली बुक, ये बुक तो समझ लीजिए बहुत अलजेब्रा के लिए, दो बुक परचेस कर ले समझ लीजिए आपके अलजेब्रा हो जाती है, एक खन्ना भामरी और उसके बाद गैलियन, गैलियन है नए नए तरह के क्वेश्चंस के लिए, गैलियन से आपको शायद मेरे ख्याल से गैलियन बताया था ना, जोसेफ गैलियन, हमने बुक भेजी भी आपको, गैलियन से शायद आप कॉन्सेप्ट ना समझ पाओ, एक टाइम हो सकता है भाई गैलियन से कॉन्सेप्ट ना समझ पाओ शायद आप, लेकिन गैलियन में प्रॉब्लम्स बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और गैलियन का सोल्यूशन भी है, शायद हमने भेजा होगा, कभी ना भेजा हो तो बताना, हम भेज देंगे, ठीक है, गैलियन का सोल्यूशन भी है, तो खन्ना एंड भामरी और गैलियन, खन्ना भामरी से आपको थ्योरी बड़ी काम आएगी पढ़ने में, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बड़ी मोटी सी बुक बनाई गई है आपके, समझ लीजिए अगर खन्ना भामरी अच्छे से पढ़ लो तभी आपके अच्छा खासा कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है, लेकिन गैलियन भी पढ़ना चाहिए, गैलियन में प्रॉब्लम बड़े स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है गैलियन में, तो खन्ना भामरी में आपका रिलेशन के क्वेश्चन दिए हैं, तो आप रिलेशन के क्वेश्चन यहाँ से लगा सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास के भी कुछ चीजें दी हुई है लेकिन ज्यादा नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास की और चीजें जो है इसमें तो नहीं है भाई, वन वन ऑन टू टाइप की क्वेश्चन, क्या हुआ फिर से बोलिए, हाँ 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 इक्विवेलेंस क्लास, बिल्कुल बिल्कुल इक्विवेलेंस क्लास डिस्क्रीट में भी आता है, आपको मालूम है डिस्क्रीट, सबको नहीं मालूम है, इक्विवेलेंस क्लास डिस्क्रीट में भी आता है, तो आपके पास डिस्क्रीट की बुक आप डिस्क्रीट से लगा सकती है, इक्विवेलेंस क्लास, पार्शियल ऑर्डर सेट, ये सब डिस्क्रीट में आता है भाई, हाँ पार्शियल ऑर्डर सेट भी आपने डिस्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, और बाकी और क्वेश्चन हम और बुक देखेंगे, कहीं मिले तो हम और क्वेश्चन आपको भेज देंगे, और क्वेश्चन अगर कहीं हमको और मिलते हैं तो क्वेश्चन इस तरह के कुछ क्वेश्चन किसी बुक में मिले तो हम बता देंगे, इस बुक से लगा लीजिए, और बस बेसिक में थोड़ा ही थोड़ा बचा है भाई, ये बेसिक में एक जीसीडी वाला पोर्शन ही बचा है, खाली जीसीडी वाला पोर्शन बेसिक में बचा हुआ है, बाकी बेसिक में खत्म ही हो रहा है थोड़ा सा, चलो भाई एग्जाम्पल देखे, बस 2 टन मुश्किल से और चलेगा बेसिक, 2 टन में फिर आपका आपका ग्रुप से आ जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम बेसिक से एकदम उठाया था, तो दोबारा रियल पढ़ाएंगे, रियल पढ़ाएंगे तो अब ये बेसिक नहीं पढ़ाएंगे भाई, जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब नहीं पढ़ाएंगे, बाकी इससे रिलेटेड बात जो जो प्रॉब्लम होगी वो बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है आपका, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहे हम, लेट ए एंड बी टू नॉन यूपीटी सेट,
नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए दिया है आपको, कितना दिया भाई 4, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी दिया है 3, चलो 4 और 3 ठीक है। तो कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, तो चलो करते हैं भाई। अच्छा फ्रॉम ए टू बी लिख दो भाई, जरा सा बताना तो पड़ेगा उनको कहां से कहां है। एफ आई ए टू बी में है भाई, और डोमेन कोड की कार्डिनलिटी 4 है, को डोमेन की कार्डिनलिटी 3 है। डोमेन की 4 है, को डोमेन की 3 है। चलो डोमेन की कार्डिनलिटी 4 है, को डोमेन की कार्डिनलिटी, डोमेन की 4 को डोमेन 3। अच्छा डोमेन वाली ज्यादा है, हो सकता है भाई ऑन टू या ऑन टू एग्जिस्ट कर रहा है, 1-1 नहीं एग्जिस्ट करता इसे केस में, 1-1 नहीं एग्जिस्ट करता इसे केस में भाई। सो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट, ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट, अगर डोमेन वाली कम हो जाए तो ऑन टू नहीं एग्जिस्ट करता, फिर 1-1 एग्जिस्ट करता है ठीक है। तो ऑन टू एग्जिस्ट नहीं करता है, खाली 1-1 एग्जिस्ट करता है। अच्छा सुनना भाई जरा सा, तो क्या होता है भाई नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होते हैं, ये आपका n था और ये आपका m है ना भाई। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू होता फार्मूला कोडोमेन की पावर डोमेन, m की पावर n माइनस, ठीक है ना, और ये आपका था एम सी वन और एम माइनस वन की पावर एन माइनस एम सी टू एम माइनस टू की पावर एन। अरे भाई इतना लिखो आगे उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे पावर के हिसाब से। चलो एम कौन है आपका 3 की पावर 4, चलो एन 3 सी वन, 3 माइनस वन की पावर एन कौन है 4, 3 सी टू 3 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 3 सी 3 3 माइनस 3। अच्छा नहीं आगे नहीं आएगा, छोड़ दो आगे नहीं आएगा भाई, 3 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा ठीक है, बस उसके आगे नहीं आएगा भाई, 0 हो जाएगा उसके आगे करोगे। अगर लेके जाओगे भी 3 सी 3 तो हो जाएगा m माइनस 3 होता है आगे, और 3 माइनस 3 0, तो 0 तो खाली कौन बचा 3 की पावर 4 81, 3C1 होता है आपका कितना 3, 3 में से 11 2, 2 की पावर 4 16, 3C2 हो जाएगा 3, ये बचाएगा खत्म, 16 3 48, 48 में से 1 गया, 48 में 3 गया बचे 45, ग्यारह 5 गए बचे 6 7 में 4 गए बचे 3। अरे 14 43 ये कितना लिखा है भाई, 3C2 कितना हो गया, 3C2 तो भाई 3 होता है ना, 3C2 मतलब 3C1, ये तो 3 होगा, गलत लिखा है यहाँ पर मेरे पास जो लिखा है भाई गलत लिखा है, 36 आएगा क्यों, 3C2 3 होता है भाई, अब ये 3C2 1 लिखे होंगे कैसे पॉसिबल है भाई। चलो कोई बात नहीं, गलत किया उन्होंने कोई बात नहीं, हाँ चलो भाई, तो ये आपके 36 मैपिंग होगी टोटल, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। अच्छा कभी नंबर ऑफ मैनी वन मैपिंग पूछे तो ये सुन लेना जरा, नंबर ऑफ मैनी वन मैपिंग, ये सब जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, जल्दी कहीं लिखा मिलेगा नहीं, ये सब चीजें हम भी अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ के अलग अलग नोट्स अलग जगह देख के पढ़ा रहे हैं, नोट्स तैयार करें अलग अलग जगह से लिख के देख करके अलग अलग नोट्स से। तो
तो नंबर ऑफ मैनी वन मैपिंग, नंबर ऑफ मैनी वन मैपिंग, कहीं शॉर्ट में नोट कर लेना, नंबर ऑफ मैनी वन मैपिंग, ठीक है। चलो लिख देना जरा सा, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, और ये फिर से लिख दे रहे वेयर ए क्यों हमने एन माना है, बार बार याद दिला देते हैं क्योंकि हमने उल्टा मान लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, उल्टा सीधा मतलब तो होता नहीं है, नहीं तो एम पहले आता है एन बाद में आता है, तो आप वो कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना हमने उल्टा माना है, ए टू बी है लेकिन हमने माना इसको एन और एम, अल्फाबेट में ये ए पहले आता है लेकिन हमने एन को पहले माना उसके लिए, जबकि एन नहीं एम पहले आता है, इसलिए ये याद रखना हमें उल्टा माना है, इसलिए गड़बड़ नहीं करना, इसीलिए हम बार बार लिख दे रहे बोल दे रहे। हाँ तो कितना होती है भाई नंबर ऑफ मैनी वन मैपिंग, ये होती है एम की पावर एन माइनस एम पी एन, अभी डायरेक्टली याद रखना भाई, ठीक है हम लिखने नहीं जा रहे कैसे, बस फार्मूला बस याद रखना डायरेक्ट, अब आपको ये लिखो, ठीक है ना, या ये लिख दो m की पावर n माइनस एम सी एन और फैक्टोरियल n, बात तो एक ही ना भाई, सभी जानते हो भाई, ठीक है, तो चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, बात एक ही है। अब आते हैं हम लोग कंपोजिशन मैपिंग, कंपोजिशन मैपिंग, धीरे धीरे से आगे बढ़ते जा रहे हम लोग, इसका रियल में ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इन सब चीजों के, इसमें तो इतने क्वेश्चन नहीं है भाई, अलजेब्रा में तो इतने नहीं आए हैं, रियल में ज्यादा आए हैं, है तुमने कहा सब इकट्ठे ही पढ़ा दे, क्योंकि जब बात होगी सेट की तो उसके ऊपर रिलेशन की बात जरूर होगी, जब बात होगी रिलेशन की तो फंक्शन की बात भी जरूर होगी, अल्फी मेरा खाना नहीं पता, रोटी ना पकाना मेरी, कह दो, अच्छा ठीक है, कंपोजिशन मैपिंग, कंपोजिशन मैपिंग, चलो भाई मान लिया ए बी सी क्या है, आर नॉन एम्प्टी सेट्स, क्या है भाई ए बी सी, ए बी सी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेट ए बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ये आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और F और G दो मैप डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, कंपोजिशन तभी तो होगा भाई, F जो है वो A टू B माना फंक्शन, और G क्या मान लिया है B टू C मान लिया, F मान लिया A टू B और G मान लिया B टू C, ठीक है, अच्छा फॉर ईच X, फॉर ईच X बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट, सबको पता है भाई बात, तो There exist a unique affix. बताइए भाई आपको. There exist a unique affix belongs to B. हाँ भाई बिल्कुल. कोई x की unique image तो होती है. भाई affix क्या image है ना x की. मतलब कोई element x का लिया तो उसकी एक unique image मिलेगी. Affix किसमें B में. ये बात सबको बताइए. ठीक है. अब दूसरा function आपने क्या लिया? अब दूसरा function आपने क्या लिया? Now another function. दूसरा function उठाया. Now another function G लिया. जो जी क्या है आपका बी टू सी है तो क्या हो जाएगा इसके लिए बी में कैसे एलिमेंट थे बी में एलिमेंट थे कैसे बी में एफएक्स टाइप के थे तो फॉर ईच एफएक्स बिलोंग्स टू बी ना भाई देयर एग्जिस्ट भाई एफएक्स कोई बी में एलिमेंट लिया तो उसकी जी इमेज
और उसकी जी इमेज कहां जाएगी? सी में, वो भी यूनिक होगी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक यूनिक जी एफ एक्स, कहां जाएगा? सी में। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या हो गया? तो आपका नया फंक्शन हो जाएगा कौन? आपका नया फंक्शन हो जाएगा गॉफ, जिसे कहते थे कंपोजिशन। नया फंक्शन है गॉफ। कहां से भाई? जो एफ का डोमेन है भाई, गॉफ का डोमेन कौन होता है? एक्स। एक्स किसमें था? ए में था, तो ये तो ए में होगा। और ये कहां जा रहा है गॉफ? जी एफ एक्स जा रहा है सी में, तो को डोमेन सी में हो जाएगा। तो नया फंक्शन ए टू सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा याद रखना भाई, कुछ बात याद रखना कि गॉफ तभी एग्जिस्ट करता है। गॉफ मतलब जी एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, नोट में ये बात लिख लेना भाई, जी एफ एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ ए सबसेट होगा बी का। जब एफ ए सबसेट होगा बी का, एफ ए समझ रहे हो ना भाई? एफ ए सबसेट होगा बी का। सबसेट या बराबर कुछ भी हो सकता है भाई, सबसेट का मतलब प्रॉपर या इम्प्रॉपर उससे मतलब नहीं है। और फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा, फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका क्या हो जाएगा? जी बी सबसेट होगा ए का। अब ये आप देख लेना कैसे। ठीक है, फॉग मतलब इधर से इधर उल्टा, तभी एग्जिस्ट करेगा जब जी बी सबसेट होगा ए का, तब एग्जिस्ट करता है फॉग। अच्छा, अगर एफ और जी दोनों वन वन ऑन टू है, अगर एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव हैं, तो फिर आपका फॉग भी गॉफ भी दोनों बाइजेक्टिव होता है भाई। और लिख देना भाई नोट में कि इफ एफ एंड जी आर वन वन ऑन टू, देन वन वन ऑन टू, तो देन फॉग भी क्या होता है? इज वन वन ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव। एक गॉफ के लिए एक बार चेक कर लेना। ठीक है, गॉफ वाला हम लिख नहीं रहे क्योंकि यहां लिखा नहीं है, तो चेक कर लेना गॉफ वाला होता है कि नहीं होता। तो एग्जांपल मान लेना सीधे सीधे, एफ वन वन ऑन टू, जी वन वन ऑन टू लेना और गॉफ निकाल के देख लेना। ये वाला चेक कर लेना, ठीक है? गॉफ वाला हम नहीं लिख रहे। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही है, ये बात तो आपको पता ही है। इन जनरल, इन जनरल मतलब हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज के लिए फॉग बराबर गॉफ नहीं होता है। ऑलवेज बोल रहे हैं इन जनरल, तो कभी कभी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बराबर हो जाए, हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है, इन जनरल फॉग बराबर गॉफ नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, इन केस हो जाए अलग की बात है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। हाँ, वैसे ऊपर वाला दोनों के लिए ट्रू होता है। ठीक है, दोनों के लिए ट्रू होता है, एंड गॉफ भी होता है वन वन ऑन टू। गॉफ इज ऑल्सो वन वन ऑन टू। ठीक है, अच्छा हम कुछ चीज बोल दे रहे भाई, लिख लेना जरा। ठीक है, कुछ चीज बोल रहे लिख लेना भाई, बहुत लिख लिया हम, बोल दे रहे लिख लेना थोड़ा चीजें, क्या है सुनते रहना भाई और लिखते जाना। गॉफ अगर वन वन है तो एफ वन वन होता है, गॉफ अगर ऑन टू है तो जी ऑन टू होता है, और जिसके लिए नहीं लिखा रहे समझ जाओ उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। नहीं तो आप सोचो एफ वन वन होता तो जी का क्या, तो जी कुछ भी हो सकता है। गॉफ वन वन है तो एफ वन वन, गॉफ ऑन टू है तो जी ऑन टू, गॉफ वन वन है और एफ ऑन टू है। देखिए देखो दिक्कत करेगा आपको लिखने में, कहीं गलत लिख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई कॉन्सेप्ट गलत लिखी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है भाई। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट लिख लेना, गॉफ
वन वन है, शॉर्ट में लिखेंगे हम, चलो शुरू से पॉइंट लिख दे रहे हैं। एक गॉफ इज वन वन, गॉफ वन वन है तो एफ वन वन होता है। दूसरा पॉइंट, गॉफ अगर ऑन टू है तो जी ऑन टू होता है, एफ क्या पता नहीं, एफ कुछ भी हो सकता है भाई, जिसके लिए नहीं लिख रहे समझ जाना कुछ भी। गॉफ वन वन है तो एफ वन वन, और जी क्या होगा पता नहीं कुछ भी। गॉफ ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा, पहला वाला ऑन टू, और बाकी एफ का क्या पता नहीं, कुछ भी हो सकता, ऑन टू हो भी सकता नहीं भी, इसीलिए जिसके लिए नहीं लिख रहे समझ जाओ उसकी कोई पॉसिबिलिटी है कुछ भी। अच्छा गॉफ वन वन है, गॉफ इज वन वन, गॉफ वन वन है और एफ ऑन टू है तो जी वन वन होता है। गॉफ वन वन है और एफ ऑन टू है एंड एफ ऑन टू है तो जी वन वन होता है। इसको पढ़ने के पहले एक बार कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पढ़ लेना, पीछे जो वहां पढ़ाए थे कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार वो पढ़ के तब ये पढ़ना, फिर कंपेयर कराना दोनों में क्या डिफरेंस है। इसलिए बता रहे ना कुछ कुछ रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था हमने, आप चेक करना भाई, तो वो पढ़ लेना, उसके बाद ये पढ़ना था, वो कुछ रिजल्ट सेम मिलेंगे, जो सेम मिलेंगे तो आपको मालूम है बस वहाँ टी वन टी टू था, यहाँ जी और एफ करके है, बस ये जी एफ है, वहाँ टी वन और टी टू था, ठीक है, इसलिए चेक करना एक बार, ठीक है, जरूर वापस से। चलो अच्छा गॉफ वन वन है, सॉरी एफ वन वन है और जी भी वन वन है तो गॉफ भी वन वन होता है। एफ वन वन है, जी ऑन टू है, सॉरी एफ ऑन टू है, जी ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू है, तो ऊपरी वाली बात हो गई, ये तो ऊपरी वाली बात हो गई, नहीं लिख रहे हम दोबारा। एफ और जी दोनों वन वन होते हैं तो गॉफ भी वन वन, एफ और जी दोनों ऑन टू तो गॉफ भी ऑन टू, तो ये तो वही वाली बात हो गई भाई। अच्छा गॉफ आपका ऑन टू है, जी वन वन है, गॉफ ऑन टू एंड जी इज वन वन, गॉफ ऑन टू और जी वन वन तो एफ इज ऑन टू, अगर एफ इज नॉट वन वन, एफ इज नॉट वन वन, एफ इज नॉट वन वन, अगर एफ वन वन नहीं है तो फिर गॉफ भी वन वन नहीं होता है कभी, गॉफ इज नॉट वन वन तो गॉफ भी वन वन नहीं होता है। गॉफ भी वन वन नहीं होता है भाई, अब उल्टा सबका पॉसिबल नहीं है। अब जैसे एफ और जी वन 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 टू होते हैं तो गॉफ भी वन वन ऑन टू होता है, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, याद रखना सब बातें भाई, नॉट ऑलवेज ट्रू। चलो एक मिनट रुक ले ना, और चीज देख ले, कुछ बचे हैं इसमें यहाँ पर, चलो ठीक है, सब चीज तो हो गई भाई।
टाइम क्या हो रहा है भाई, क्योंकि उसके हिसाब से शुरू करें टॉपिक। 25 मिनट हुआ है, यानी भी 10 मिनट बाकी है। चलो थोड़ा सा बता दे रहा फिर हम, एक मिनट रुकने जरा। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जो हमने थोड़ा सा वहां यूज कर लिया था, क्योंकि हमने पहले बताया था, हमने जो आपको पढ़ाया था 20 से पढ़ाया था। ये बात हमने बताई भी थी आपको कि हम 20 से पढ़ा रहे, वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट टाइप का, हमने पहले बताया तो 20 से उठा लिया, हमने पहले बताया था इसलिए उठा लिया था 20 से कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भाई, हमने 20 से उठा लिया था। दरअसल वो वहां से नहीं था, पहले बताया था वहां से, मेन था सेट से, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन, फिर ये सब आता है डिवीजन एल्गोरिथम, ये सब चीज है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है आपको पता है भाई, पढ़ा चुके लास्ट ईयर, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है आपको पता है अच्छे से भाई, उसी को यूक्लिड एल्गोरिथम भी बोलते हैं, पता है ना भाई, a बराबर bq प्लस r, अरे पढ़ा है सबने भाई, क्या ये नहीं पढ़ा है क्या सबने, a बराबर bq प्लस r, तो अब ये सब क्या फायदा बताने, आपको मालूम ही है जहाँ पर r क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, r जो होता है वो जीरो है, जीरो से ज्यादा है लेकिन b से कम, याद आया, ये पढ़ाया होगा हमने, क्या क्या पढ़ाया होगा, एक मिनट याद कर ले भाई, आपको किस तरह से पढ़ाया हमने, आपको पढ़ाया होगा हमने g बराबर f बराबर fx बराबर gx qx प्लस rx, ये पढ़ाया होगा हमने आपको, जहां पर डिग्री ऑफ rx क्या होती थी याद होगा, डिग्री ऑफ rx जो होती थी जीरो से ज्यादा और लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ, सॉरी जीरो या जीरो से ज्यादा और लेस देन डिग्री ऑफ gx, ठीक है, ये पढ़ाया था हमने लास्ट ईयर आपको। हाँ तो वही चीज यहाँ पर भी होती है भाई, तो ये चीज होती है भाई आपकी, और इसमें b जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, वो बताने जरूरत है, यहाँ से भी दिख रहा है पॉजिटिव है भी, ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, तो हमने नहीं, इसे यूक्लिड, इसे यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी कहते हैं, यूक्लिड पता है ना, यूनान के वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन सॉरी, ये यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं इनको, डिविजन एल्गोरिथम बोलते हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं, यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक जिसका पुराना नाम यूनान है, जानते हो गए भाई बातें। चलो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं GCD के बारे में, बात कर रहे हैं, और थोड़ी सी लंबी बात है, दो तीन दिन GCD खत्म हो जाएगा आपका, दो दिन में कम से कम, अभी आज तो शुरू भी नहीं हो पाएगा सही से, लेकिन थोड़ा टाइम है, तुमने थोड़ा सा तो बता ही दे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वैसे तो आप ही जानते हो, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि जब कभी आप इंटरव्यू वगैरह दोगे तो वहां पर आपको थ्योरेटिकली भी चीजें लिखनी पड़ती हैं, वाइवा वगैरह आपने दिया ही होगा, जिस तरह से वाइवा होता है उसी तरह से इंटरव्यू होता है भाई, वाइवा इसीलिए होता ही है आपको इंटरव्यू के लिए तैयार कराने के लिए आपको, कि सामने बताया कैसे जाता है, थ्योरेटिकली तो आप लिख लेते हो। चलो भाई, एक इंटीजर लिया डी जो कि क्या है, ग्रेटर देन जीरो, एन इंटीजर d greater than 0 is called इसको कहते हैं GCD, पता है भाई, या HDF भी कहते हैं इसी को, is called greatest common divisor, short में लिख दे रहे हैं GCD, of two integers, we are talking only and only about integers, सिर्फ integers की ही बात होती है भाई GCD में, ठीक है, हम integers की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन इंटीजर का केस अलग हो जाता है, ये आपके यहाँ पर नहीं आता है, ये जनरल एप्टीट्यूड में तभी आ भी सकता है, बाकी यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, तो और ये दोनों नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो, दोनों ही नॉन जीरो हैं, ठीक है, तो कहोगे डी क्या है आपका, ए और बी का GCD है, कब कहोगे, इफ, सीधी सी बात है भाई, दोनों को डिवाइड करना चाहिए, पहली चीज तो डी डिवाइड्स ए
और डी डिवाइड बी, इसीलिए डी का डंडा लंबा कर रहे हैं कि आप ए और डी में मेरा फर्क समझ सको भाई। और सेकेंड बात कि अगर कोई आपने सी लिया कोई तीसरा इंटीजर जो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो अपने आप डी को भी करेगा, ठीक है, ये चीज होती है भाई, ठीक है। तो आप लिखते क्या हो इस केस में, वी राइट डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ, ये थ्योरेटिकली इसको समझना, दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, दिक्कत हो तो कुछ बताना, हम समझा देंगे फिर, या तो ऐसे भी लिखते हैं लोग, या ऐसे भी लिखते हैं और, बट डी बराबर ये लिख दो ए कॉमा बी, इसका मतलब भी यही होता है डी इज जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, तो कभी ऐसे लिखा हो समझ जाना जीसीडी है वो अंडरस्टूड है, वहां पर जीसीडी अंडरस्टूड है, ठीक है, तो ये बात याद रखना भाई कुछ चीजें। अच्छा और आते थोड़ा सा इसको पढ़ना, अगर दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, क्योंकि जीसीडी हम बता चुके हैं, बस थ्योरेटिकली खाली बता के चुका, आपको पता ही है, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं लिखा था, पढ़ना अगर दिक्कत हो बताना, समझने की कोशिश करना, एग्जांपल ले लेना अपने मन से एग्जांपल ले लेना भाई, आप नेट के एक्सपीरियंस है। अच्छा ये थ्योरम है लेकिन आपको तो नोट में करके लिखना है, नोट में करके लिख लीजिए, बात क्या लिख लीजिए कि लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स, ए और बी क्या है दो इंटीजर्स हैं, यूजफुल है, इसका यूज हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में थ्योरम में किया था, जो हम लिखने जा रहे हैं आखिरी में एकदम रिंग वाले पार्ट में। सपोज इधर ए नॉन जीरो और बी नॉन जीरो, ए या बी में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो देन देयर एग्जिस्ट अ जीसीडी, आने लिखते जीसीडी के लिए, एक ही जीसीडी होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता भाई, देयर एग्जिस्ट जीसीडी डी ऑफ ए एंड बी सच दैट बी बराबर होता है ए एक्स प्लस बी वाई, लिखा था हमने, आपको याद नहीं होगा ये पिछले आपको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लिखा था हमने कि अगर ए और बी का जीसीडी डी है तो डी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकते हो, और एक्स वाई कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं ये, फॉर सम इंटीजर कोई भी ले सकते हो ये एक्स एंड वाई, अभी हम आपको दिखा देंगे भाई, ठीक है, हम आप, और डी यूनिक, डी इज डिटरमाइंड, डी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाई ए एंड बी, ये सब नहीं लिख रहे, चलो लिख दे रहे, अच्छा D is uniquely determined, हम ये इसको एग्जाम्पल दे देंगे भाई, एक तो एग्जाम्पल दे देंगे हम ए एंड बी, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो चलो जैसे आपने लिया 10 और 15 का GCD जो है वो आपका 5 होता है कि नहीं भाई, 5 ही तो 10 और 15 का GCD, ये A हो गया, ये B हो गया, ये D हो गया, तो बताओ जरा D बराबर क्या AX plus BY नहीं ले सकते हो, मतलब 5 बराबर 10x प्लस 15y नहीं ले सकते हो, जहां पर x और y इंटीजर 100% आएंगे, आप रख के देखो किसी ना किसी इंटीजर के लिए जरूर ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, देखो रख के देख लो, आप x बराबर कितना रख दो, आप x बराबर रख दो 5 और y बराबर रख दो -3, चाहे रख के चेक कर लो, इफ x बराबर 5 y बराबर -3 तो देखो आ जाएगा शायद, देखो 10 × 5 = 50, 15 × 3 = 45, देखो 5 बराबर 5, देखो आ गया, अब डी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय एन बी, यूनिकली होता है बस, अब आप x और y की कुछ भी वैल्यू रख लो डी आएगा नहीं, मैच नहीं करेगा, अब x और y और कुछ चेक कर लो तो नहीं मैच करेगा, यूनिकली डिटरमाइंड है, और कोई रख के चेक करना मैच नहीं करेगा, यूनिकली डिटरमाइंड है, यूनिकली एक ही बार आएगा बस, खाली एक ही वैल्यू आएगी बस, डी खत्म, चलो, और ये तो मालूम ही भाई आपको कि अगर कभी जीसीडी वन होता है तो वो आपस में कहलाते हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, ये तो आपको बताइए भाई, चाहे नोट कर लेना कहीं पर, अगर दो इंटीजर्स का जीसीडी वन होता है तो वो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं भाई, नोट कर लेना, काम आती है आगे।
पार्ट में लिख लेना, पहली बात कुछ और बात लिख लेना, इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी वन, तो देन ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। अच्छा दूसरी बात कि अगर आपका जीसीडी ऑफ ए और बी डी आ रहा है, अगर ऐसा है तो याद रखना, तो जीसीडी ऑफ ए अपॉन डी और बी अपॉन डी ये वन होता है फिर। अरे याद रखना बड़ा आसान है, डी नीचे दे दो, यहाँ यहाँ दोनों के नीचे वन आ जाएगा, याद रखना बड़ा आसान है भाई आपका। अच्छा कुछ और बात भी है, अगर आपका ए बी सी को डिवाइड कर रहे हैं, बहुत आसान चीज है भाई, विद विद जी सी डी ऑफ ए और बी वन है, तो देन ए डिवाइड सी, तो ए सी को भी डिवाइड करता है,